नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो बोरी यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपके लिए अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जियो फाई की, जो कि मैं अभी खरीद करके लाया हूँ। आई नो कि ये पुराना हो चुका है, काफी लोगों ने अनबॉक्सिंग कर दी है। सो मैंने सोचा मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिव्यू की। तो ऐसे वीडियो को लास्ट तक देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास ये जियो का वाईफाई है, जियो फाई पर्सनल हॉटस्पॉट। सो सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं, बॉक्स कुछ इस तरह से, और पीछे हम देखते हैं जो इसके फीचर हैं। ये क्रिएट योर ओन हॉटस्पॉट्स, कनेक्ट अप टू 31 डिवाइसेस। यहाँ पे आपको 2600 mAh की बैटरी मिल जाती है, SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हो, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल आप कर सकते हो, और सुटेबल आउट डिजिटल सर्विसेज। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ये बार कोड दिया हुआ है, प्राइस है, लेकिन प्राइस इसकी इतनी नहीं है। प्राइस जो मैंने इसको ख़रीदा है वो है 999 रुपये में ख़रीदा है मैंने इसको। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें निकल गया भाई, यहाँ पे हमें मिलता है जियो डिजिटल। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ये कुछ तरह का है। ये एक अडेप्टर है जो कि इससे चार्जिंग होता है, और ये है चार्जर जो कि 1 एम्पेयर का होता है आउटपुट, 1 एम्पेयर का ये अडेप्टर है। ये डाटा केबल है, सॉरी चार्जिंग USB। और उसके बाद जो आपके पास में आता है ये है आपका जियो 4G हॉटस्पॉट। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास, हाँ ये जो है ये रहेगा हमारा पर्सनल हॉटस्पॉट। तो ये हम पहले ऑन नहीं करता हूँ मैं इसको, बाद में ऑन करके दिखाऊंगा आपको, पहले हम ये देख लें। तो ये इसका मैनुअल है, तो अगर आप इसका पासवर्ड वगैरह कुछ चेंज करना चाहें तो इसमें एक URL दिया होता है, तो आप रीड करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, तो वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। सो गाइस ये जो है हॉटस्पॉट है, इसमें आपको पीछे बैटरी मिल जाती है, और इसी में आप पीछे, ये खुल नहीं रहा एक्चुअली मुझसे, पीछे आप इसमें बैटरी लगा सकते हो जो कि 2600 mAh की होती है, वो पहले से लगी होती है। और उसके बाद इसमें आप सिम लगा सकते हो, और साथ में ही आप SD कार्ड भी इसमें लगा सकते हो। तो हम इसको चालू करके देखते हैं। चालू करने के लिए आपको ये जो है इसको ऑन करना होता है, लॉन्ग प्रेस रखना होता है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको तीन तरह के, आपको यहाँ पे ये बैटरी जो है ये रेड है, सो ये अभी चार्ज नहीं है। यहाँ पे तीन कलर आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, और एक होता है ग्रीन। ब्लू मतलब होता है हाफ, और ग्रीन मतलब होता है फुल नेटवर्क लाइक दिस। और तो इस तरह से काम करता है, और ये होता है कि ये आपका डिवाइस कनेक्ट है या नहीं है, ये आपका नेटवर्क का होता है, ये होता है बैटरी का। सो रेड है मतलब कम बैटरी है, रेड है मतलब नेटवर्क लो है आपका, और वाईफाई ये कनेक्ट नहीं है, इस तरह से होता है ये। सो अभी नेटवर्क हमारा फुल है, यहाँ पे ये टिप 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 कर रहा है, मतलब नेटवर्क आ रहा है जा रहा है कुछ इस तरह से। बैटरी रेड मतलब हाफ है, 30% से कम, इस तरह से काम करता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। तो स्पीड में आपको इसकी चेक करके बताऊँगा, 2 से 3 दिनों में एक हफ्ते का रिव्यू देख करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसी स्पीड इसकी होती है। सो गाइस यार वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना।